नवरात्र महोत्सव में आने वाली समस्याओं को जल्द दुरुस्त करने के दिए निर्देश। श्री लक्ष्मी कुंड की सफाई व्यवस्था देखने मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारी और दुर्गा उत्सव महासमिति के पदाधिकारी। कुंड की कराई जा रही है दोबारा सफाई, फिर से भरा जाएगा साफ पानी। प्राचीन कुएं को भी कराया जाएगा साफ, नई बोरिंग और प्राचीन कुआ भरेगा कुंड को। लगाए जा रहे हैं CCTV कैमरे, कुंड की कराई जा रही है चारों तरफ से तार फेंसिंग, लगाए जाएंगे दो दरवाजे। झांसी दुर्गा उत्सव महासमिति के तत्वावधान में मां दुर्गा उत्सव की तैयारी के लिए जोर शोर से कार्य जारी है। समिति के पदाधिकारी अलग अलग समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से मिलकर जल्द से जल्द समस्याओं का अंत करने में जुटे हुए हैं। मां भगवती की प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु लक्ष्मी गेट बाहर स्थित प्राचीन कुंड की साफ सफाई व्यवस्था लगातार जारी है। माता रानी की प्रतिमाओं के आगमन एवं विसर्जन हेतु भक्तों को रास्ते में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसके लिए सभी मार्गों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। देश के लोग जिन पवित्र दिनों का इंतजार करते हैं और एक एक दिन प्रति व्यक्ति के मन में एक भावना रहती है कि हम माँ दुर्गा की उपासना करें, पूजा करें और उसके बाद उसका विसर्जन विधि विधान से हो। दशहरा ऐसा पवित्र त्यौहार है और उसको मनाने के लिए झांसी में एक ऐतिहासिक संस्था है जिसके अध्यक्ष भाई पुरुषोत्तम स्वामी हैं, अवस्थी जी हैं, पीयूष भाई हैं, मुकेश अग्रवाल हैं, हमारे सभासद जी हैं, हमारे अतुल भाई हैं, सभी लोग हैं, हम सब बिरथरे जी हैं। हम सब लोगों का मिलके ये प्रयास रहता है कि जो 10 दिनों में पूजा उपासना की तो विधि विधान से उनका विसर्जन हो। गणेश जी के विसर्जन के समय समस्या पिछले वर्ष आई थी, इस बार सभी लोगों ने प्रयास किया। प्रयास करने के बाद कुंड में कुछ सफाई हुई, बहुत स्वच्छता हुई, लेकिन अब एक स्थायी निदान के लिए कि इस कुंड में, जिस पवित्र कुंड में हम माँ की प्रतिमा का विसर्जन करें, उसमें ना भैंस ना आए, ना जिसके अंदर जानवर आए और उसमें स्थायी पानी रहे। और आगे चलकर समिति की, महासमिति की एक ही मंशा है कि ये पवित्र स्थल तर्पण के उद्देश्य से नौका पे बैठ के लोग, बुजुर्ग लोग हैं वो चाहते हैं कुछ करना, बच्चे चाहते हैं तो वो, और इसमें नगर निगम के अधिकारियों को आज महासमिति ने निर्देशित किया कि इसका स्वरूप स्मार्ट सिटी झांसी जैसा होना चाहिए। अनेक बार हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर कीचड़ भरा रहता और एंड में जिस दिन विसर्जन होना होता है उसके एक दिन पहले औपचारिक ढंग से पानी भर दिया, लेकिन इस बार महासमिति के प्रयास से, सारे लोगों के प्रयास से, हमारे अध्यक्ष जी पुरुषोत्तम स्वामी, पीयूष भाई, अवस्थी जी, मुकेश भाई, बिरथरे जी, अतुल किलपन जी, हमारे मेंबर साहब गुप्ता जी, हमारे रायकवार साहब, राहुल, सबके प्रयास से ये निर्णय, वास्तव में जो सभासद हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि उनके ही प्रयास से ये सदन में भी सर्वसम्मति से पारित हुआ कि इसके लिए पूरा सौंदर्यीकरण और स्वच्छीकरण का कार्य किया है। बाहर ऊर्जा का ज्योति राहुल कुशवाहा, वार्ड नंबर 33। कुंड के लिए जो दुर्गा उत्सव समिति है वह, और मैं यहाँ का स्थानीय पार्षद हूँ, मैं नगर निगम में लेटर दिया कि साफ सफाई विसर्जन के लिए हो रही है और मेरे साथ दुर्गा विसर्जन समिति भी लगी रही। दोनों के प्रयास से इस बार कुंड बहुत ही अच्छा साफ कराया गया। नगर निगम के तमाम अधिकारी साथ में रहे, रात को 3-3 बजे तक AE साहब, JE, अपन नगर आयुक्त वगैरह, JE साहब, पूरी नगर निगम की जो टीम है काम करने की निर्माण वाली, वह 3-4 बजे तक सुबह रही। 3 दिन बराबर काम चला, उसके पहले भी काम चल रहा था तो अधिकारी बार बार आते थे और दुर्गा उत्सव समिति के पूरे कार्यकर्ता जो कमेटी के सदस्य हैं वही भी आए, उनका भी पूरा सहयोग रहा, सभी के सहयोग से यह काम हो रहा है। प्रशासन ने जो कार्य किया उसके लिए क्या कहेंगे? प्रशासन ने जो काम किया है, मैं 3 साल से देखता था विसर्जन यात्रा को, इस बार जो काम हुआ है वो भविष्य में कभी नहीं हुआ था। इस बार